कालिकापुर पंचायत के उत्क्रमित मध्य प्रदेश दूध कुंडी में शिक्षक द्वारा बच्चों को गेता कुंडाली से कार्य कराने के मामले में विधायक प्रतिनिधि शंकर मुंडा पोर्ट का बीईओ से मिले और शिक्षक के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। मामले के संबंध में बताया जा रहा है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय दूध कुंडी में 5-6 की संख्या में छोटे छोटे बच्चों को बागवानी लेकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षकों द्वारा मिट्टी कोड़ने का कार्य किया जा रहा था। मीडिया की नजर जब पड़ी मामले को, जब प्रमुखता से साथ दिखाया गया तो प्रशासन हरकत में आई और जांच का निर्देश दिया गया, जिसके बाद पोर्ट का विधायक संजीव सिद्धार्थ के जनप्रतिनिधि शंकर मुंडा एक प्रतिनिधिमंडल के साथ पोर्ट का बीईओ से मिले और शिक्षक के ऊपर इस तरह के कार्य किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की। न्यूज के माध्यम से हम लोग को खबर मिली, पोटका प्रखंड अंतर्गत ग्वालकाटा पंचायत के दूधकुंडी ग्राम में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा कुछ छात्रों को, जो नन्हे मुन्ने जो छात्र हैं उनको गायता कुदाली से स्कूल में काम करवा रहे थे, जो सरासर गलत है। जबकि अभी झारखंड सरकार की निर्देश है कि कोरोना काल में कोई भी बच्चा स्कूल नहीं आएगा, स्कूल वालों को आना बंद है, स्कूल भी बंद है, खाली शिक्षक लोग स्कूल में आएंगे, अपना ड्यूटी निभाएंगे। उसके बावजूद भी नियम की धज्जियाँ उड़ाते हुए शिक्षक के द्वारा बाल मजदूरी छात्राओं से कराया जा रहा, जो सरासर बहुत गलत है। इसी के लिए हम लोग बीओ मैडम से मिलने के लिए आए थे, उनको मामले से अवगत कराए हैं। हम लोग की मांग है कि ऐसे शिक्षक के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि और भी शिक्षक चेते इस तरह का दोबारा गलती ना करें। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट।